व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो। अभी अभी जबरे की एक वीडियो आई है जिसके अंदर उसने रफ्तार के गाने को कॉपी बोला है। कैसे प्रूफ दिखाए हो का? देखते हैं बादशाह शॉर्ट्स ऑन हनी सिंह, ये कब हुआ? देखना पड़ेगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एमवे का नया शूट भी देखते हैं साथ साथ। सो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले बात करें एमी वे बंटाई की, तो जैसे कि आपको पता ही है कि वो अभी दुबई के अंदर मौजूद हैं। सो वहीं से एक वीडियो सामने आई है जिसमें आप लोग एमी वे, सोलिना और वीडियो डायरेक्टर थ्रेक्टर को एक साथ देख सकते हो। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एमी वे के न्यू सॉन्ग की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इसको एमी वे के वीडियो डायरेक्टर ने भी शेयर करा है। लेट्स सी इसको लेके अभी क्या अपडेट्स आती है। वैसे बात इधर एमी वे की हो ही रही है, तो उनका जो मनिंदर बुट्टर के साथ वाला गाना है उसने 10 मिलियन व्यूज कम्प्लीट कर लिए हैं, वो भी सिर्फ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, मजा आया दो हफ्तों में। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कुछ घंटों पहले हनी पाजी ने एक स्टोरी शेयर करी थी जिसके अंदर उनका कहना है कि मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, बट प्लीज कम बिफोर आई गोना बी इन ग्रेव। आप सबको क्या लगता है ये स्टोरी किसके लिए है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको याद हो, मेरे को तो पता है वो किसके लिए है स्टोरी क्योंकि मैंने बाकी की स्टोरीज भी देखी थी। तो अभी कुछ दिन पहले करण औजला अपने शो पे जब लाइव परफॉर्म कर रहे थे तो उनके ऊपर उन्हीं के किसी फैन ने जूता फेंक के मारा था। सो इसी चीज के ऊपर हनी पाजी ने भी रिप्लाई कर दिया है, आप लोग देख लो। मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है स्टेज शोज का, वर्ल्ड वाइड मैंने टूर किए हैं। और जनरली क्या होता है, जब एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, जिस तरह के हम अर्बन आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ ही ऐसे आर्टिस्टों के साथ ये सब होता है, लेकिन कोई भी फैन इंटेंशनली नहीं करना चाहता होता है। वो एक्साइटेड इतना होते हैं, उनके हाथ में जो होता है, बोतल होती है, जूता होता है, पानी होता है, कुछ भी होता है, वो घुमाने लग जाते हैं। तो वो बाई चांस स्टेज पे चला जाता है, तो ट्रोल करने वाले कहते हैं देखो इस आर्टिस्ट के स्टेज पे बोतल आई, इस आर्टिस्ट के स्टेज पे ये आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर, इसके अलावा क्या बादशाह ने एक बार एक सेकेंड यहाँ पे मैं लगा दूँ क्योंकि इसकी शक्ल नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ी देर ये थंबनेल झेलना जब तक बादशाह की बात हो रही है। फिर से हनी पाजी को डिस कर दिया है। वेल, इसका अभी एक न्यू सॉन्ग आया है जिसमें इसने कुछ ऐसी लाइंस बोली हैं। फालतू की नॉइस करी कैंसल, लैविक सिक साथ ब्लूटूथ पे नहीं करा। अच्छा, ये बहन का लोड़ा नहीं सुधरने वाला, छोड़ो बहन। जोकर सीरियसली शूट करता है, छोड़ो, मैं इग्नोर ही करता हूँ ऐसे चूतिए को। तो देखते हैं आगे क्या चल रहा है, कहाँ गया? मेरे जिक्र बिना ना गीत हिट कोई। खैर, इसके अलावा रफ्तार और कर्मा का जो न्यू सॉन्ग आया है जिसमें उन्होंने हनी पाजी को डिस किया है, उसके ऊपर एक एलिगेशन लग चुका है कि ये सॉन्ग किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के सॉन्ग से कॉपीड है। आप लोग खुद देख लो। आया नहीं रास्ता तू भटक जाए, बेटा बचपन से ही खास था, इसमें नया क्या है, पता नया क्या है, अब सोचो करता क्या है, इसका चर्चा क्या है, बोले पर खोज का खर्चा, इसको पर्चा। बोलो भाई साहब, बोलो भैंच, बाय। गाने कॉपी कर करके कितनी देर जिंदगी कटेगी इन लोगों की, मैं ये सोच रहा हूँ भाई साहब। उसके बाद म्यूजिक कॉपी, गाने कॉपी, क्या क्या हरकतें हैं, नेक्स्ट लेवल। छोड़ो, कर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।